आफ्टर डिस्क्रिप्टिवज एंड लुकिंग एट द जम्पशनस के वो इनोवा की मीट हो रही है हमारी फिर आगे जो मेन आउटपुट फाइल में टेबल्स आते हैं वो हमारे होते हैं टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट एंड टेस्ट ऑफ विद इन सब्जेक्ट टेबल तो टेस्ट ऑफ विद इन सब्जेक्ट इफेक्ट के लिए हमारा जैसा आपको पहले ही पता है कि रिपीटेड मेयर में हमने रन किया था टू वे इनोवा में हमारा टेबल इसी तरह का आता है

सिग्नीफिकेंट uh, या पी वैल्यू हमारी पॉइंट जीरो जीरो आ जाए तो हम इसको लिखते हैं कि पी इज़ स्मॉलर देन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन अब हमारी ये सिग्निफिकेंट आ गई है ठीक है और इसके साथ ही हमने बिटवीन ग्रुप का इसी के साथ हमने एरर वेरिएंस देना होता है और ये हमारे लिए एरर वेरिएंस आपकी ये वैल्यू होती है सो फिर इस टीज्यूम्ड है और चूँकि हमारे पास जो कैफी विदिन सब्जेक्ट वेरिएबल है और हमारा जो जेंडर वो बिटवीन सब्जेक्ट था उसका हम अलग टेबल देखेंगे तो विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल में हमारा कैफ़ीन देगा और फिर हमारे पास वो इंटरेक्शन देगा विद कैफीन एंड जेंडर तो इंटरेक्शन के लिए भी हमारी चूँकिसिटी के जमशन मीट हो रही है क्योंकि हमारी नॉन सिग्नीफिकेंट वैल्यू है हम रिपोर्ट करेंगे एफ वैल्यू उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और साथ में उसका पी वैल्यू अब देखिए टाइम ही सा डिफरेंस है इट्स अ पॉइंट जीरो सिक्स वैल्यू जबकि वी वॉन्ट दिस वैल्यू टू बी स्मॉलर दैन पॉइंट जीरो फाइव सो थ्रेटिकली पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स जो है वो इट इज़ ग्रेटर देन पॉइंट जीरो फाइव तो हम वी विल फेल टू रिजेक्ट नल हाईपोथिस लेकिन चूंकि हमारी सैंपल साइज से इफेक्ट होती बहुत ज़्यादा तो चूंकि हमारा सैंपल साइज बहुत कम है तो मे बी वैल्यू इज नॉट अगर हम थोड़ा सा सैंपल इंक्रीज करेंगे तो वी विल बी अप्रोचिंग सिग्निफिकेंट सो इसका मतलब कि इंटरेक्शन भी सम हाउ विद इनक्रीज सैंपल सिग्निफिकेंट हो जाएगी लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो देर इज़ नो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन जेंडर जैसा हम एफ़ की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे साथ पी की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे और साथ हम लिखेंगे कि नॉन सिग्निफिकेंट इंटरक्शन मीन्स दैट द इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई द लेवल ऑफ द सेकेंड वेरिएबल सो यू विल बी रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ एफ विच इज़ फॉर द इंटरेक्शन पॉइंट थ्री वन वन इसने राउंड कर दिया है और उसके बाद पी वैल्यू और उसके बाद हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और हम साथ लिखेंगे कि इंटरेक्शन हमारी जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है सिग्निफिकेंस वैल्यूज टेल्स अस दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मेन इफेक्ट ऑफ द कैफीन कंजम्पशन और हमारी मेन फैक्टर के लिए हम लिखेंगे कि हमारा मेन इफेक्ट के लिए जो एफ़ की वैल्यू है तो दिस इज द मेन इफेक्ट ऑफ कैफीन जो मैंने अभी ऑलरेडी बात कर ली उसकी वैल्यू एफ की हमारे पास आई है ट्वेल्व पॉइंट टू थ्री और पी की वैल्यू पॉइंट जीरो जीरो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू है तो so, हम पी की वैल्यू अगर पॉइंट जीरो 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 है तो हम लिखते हैं पी इज स्मॉलर देन पॉइंट जीरो ज़ीरो वन इसके बाद हमारे पास एस्टिमेट्स कैफीन के आपको दिए हुए हैं जो हमने उसके डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेट किए हुए हैं मीन कितनी है तीनों लेवल्स में स्टैंडर्ड एवियशन कितना है और कॉन्फिडेंस इन टर् लोयर और अपर लिमिट कितनी है बेसिकली जब हमने वो चेक किया था कि वो पोस्ट हॉक टेस्ट भी हमें दे जब भी हमारे लेवल्स दो से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तीन अगर ग्रुप्स हैं तो हम पोस्ट हॉक एनालिसिस रन करें ताकि हम पता चले कि उन तीन ग्रुप्स में से कौन से दो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं सो so, पेयर वाइज कम्पेरिजन बेसिकली करता है तो ये हमारे पास जब हम डिस्क्रिप्टिव रन किए थे हमने तो ये हमारा पेयर वाइज कम्पेरिज़न है फॉर द मेन इफेक्ट ऑफ कैफीन द लो एंड मीडियम डोजेज़ नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली जैसा आप देख सकते हैं कि उसने वन और टू यानी लो और मीडियम का किया है और वो सिग्निफिकेंट नहीं है ये लो और हाई और ये सिग्निफिकेंट है इसी तरह मीडियम और लो सिग्निफिकेंट नहीं है जबकि मीडियम और हाई हमारा सिग्निफिकेंट है तो थ्री इज़ इक्वल टू हाई वन इज़ इक्वल टू लो टू इज इक्वल टू मीडियम और आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे कौन से ग्रुप्स सो so, आप सिग्निफिकेंट वाले रिपोर्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह जैसे यहाँ पे हमने किए हुए हैं For main effect of caffeine, low and medium dose does not differ significantly because P is 0 0.303. Uh, but the low dose differs significantly from the high dose, and similarly, medium dose also differs significantly from the high dose. So medium or high significant difference, low or high significant significant difference, but there is no significant difference between low and medium. इसके बाद हमारा टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट आता है हमारा दूसरा वेरिएबल जो कि बिटवीन सब्जेक्ट या इंडिपेंडेंट ग्रुप वाला था वो जेंडर था उसके लिए हमारे पास वो देता है जेंडर का कि मेन इफेक्ट क्या है सो यू सी दैट दिस इज़ द जेंडर मेन वेरिएबल और ये हमारे पास एफ़ की वैल्यू है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ये उसकी पी वैल्यू है दिस आर द थ्री वैल्यूज वी विल बी रिपोर्टिंग और हम उसको लिखेंगे इस तरह से टेबल ले सिग्निफिकेंट वैल्यूज पॉइंट जीरो जीरो मेन इफेक्ट फॉर द जेंडर और आप ये भी कह सकते हैं कि मेन इफेक्ट फॉर द जेंडर इज सिग्निफिकेंट फिर इसी तरह जेंडर के उसने एस्टिमेट्स दिए हुए हमें पोस्ट हॉक तो लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन चूंकि हमने उसको पोस्ट हॉक कह दिया था तो वो बताता है कि हमारे पास मेल uh, का मीन कितना है और फीमेल का मीन कितना है सो so, ये मेमोरी टास्क के ऊपर एरर्स हैं अगर आप देखें तो मेल की एरर्स कम है एज कम्पेयर टू फीमेल्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ कैफीन सो मेन इफेक्ट फॉर द जेंडर आर सिग्निफिकेंट क्योंकि मेल्स आर सिग्निफिकेंटली मेकिंग लोअर एरर्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स सो ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव के टेबल से पता चलता है